परब्रह्म राम कृष्ण परमधाम राम कृष्ण भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण परब्रह्म राम कृष्ण परमधाम राम कृष्ण भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण ओम सर्वधर्म स्थापकस्तम सर्वधर्म स्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। दो तीन दिन से हम लोगों ने श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग नामक स्वामी शारदानंद कृत सर्वोत्कृष्ट शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन शुरू किया और हम लोगों ने शुरू किया उसके अंतर्गत अभी तीसरा जो खंड दिखेगा, पहले भाग के अंदर तीसरा गुरुभाव पूर्वार्ध, वहां से शुरू किया क्योंकि लिखना भी वहीं से शुरू हुआ था। और उसका कारण हम लोगों ने देख लिया कि श्री राम कृष्ण जो अवतार पुरुष विश्व गुरु, उनका व्यक्तित्व हमारे सामने रखना ये उसका मुख्य उद्देश्य था। हम लोगों ने उसमें ग्रंथ परिचय पढ़ना शुरू किया था और उसका एक परिच्छेद बाकी है, इसलिए मन में संबंध बनाने के लिए हम शुरू से ग्रंथ परिचय एक बार पढ़ लेते हैं। मुझसे पूछा गया, कहा गया कि हिंदी के पृष्ठ आप बताते हैं, उसके साथ बांग्ला पृष्ठ भी बता दीजिए। अब बांग्ला में पृष्ठों की रचना बिल्कुल भिन्न प्रकार से हुई है, भीतर के हर एक खंड के पृष्ठ अलग अलग हैं, पांच खंड जोड़ दिए गए हैं, पहले इसमें तीन खंड जोड़ दिए गए हैं, तो इसमें तो पृष्ठ होगा आठ या सात, देख लीजिए। यानी भीतर जाइए, बाल्य जीवन छोड़ दीजिए, साधक भाव छोड़ दीजिए, उसके बाद गुरुभाव पूर्वार्ध के पृष्ठ नए सिरे से शुरू हो रहे, तो उसका तो प्रारंभिक ही देखना है आपको बिल्कुल। इसलिए इसका पृष्ठ नंबर ऐसा, हिंदी में एक से लेकर के पहला भाग दूसरा भाग एक ही पृष्ठ चलाए गए हैं, तो इसलिए इसमें हम पहले भाग में, मैंने कल परसों आपको बता दिया था, एक 355 परम है। तो पढ़ते हैं दोबारा से ग्रंथ परिचय। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत गुरुभाव पूर्वार्ध प्रकाशित हो रहा है। इसमें मुख्यतया श्री राम कृष्ण देव के साधन कालीन समय से लेकर विशेष रूप में प्रकट होने के पूर्व पर्यंत उनके जीवन घटनाओं का सन्निवेश है। हम लोगों ने इसको देख लिया था कल के, शारदानंद जी शुरू में बता दे रहे हैं कि मैं एक मनुष्य की जीवनी नहीं लिख रहा हूं कि जो जन्म होगा, बड़ा होगा, साधना करेगा, सफल होगा, गुरु बनेगा शायद, ऐसा वर्णन नहीं कर रहा हूं मैं। अवतार पुरुष जो होते हैं वो विश्व गुरु होते हैं और जो गुरु होते हैं वो जन्म से ही गुरु होते हैं, जन्म के पहले से भी गुरु होते हैं। इसलिए ये जो कालखंड है यही साधना का कालखंड है और इसमें
गुरु भाव उनका विशेष रूप में प्रकट होता चला गया है। और बाद में जब विशेष प्रकट जिसको सरदन जी ने कहा वो तो दिव्य भाव है। इसलिए ये कालखंड इन्होंने विवेचन के लिए मुख्यतः लिया गया है। और किंतु हमने केवल उन घटनाओं अथवा श्री राम कृष्ण देव के तत्कालीन कार्यों का को ही लिपिबद्ध कर अपना कर्तव्य समाप्त नहीं कर दिया, अपितु जिस प्रकार के मानसिक भाव से प्रेरित हो एवं जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने उन कार्यों का अनुष्ठान किया है उसका भी इस ग्रंथ में यथासंभव विवेचन किया गया है। यानी मन का इतिहास इसमें यथासंभव विवेचन किया गया है। मन में एक भाव होता है, एक उद्देश्य होता है, इन दोनों को देख करके। क्योंकि शरीर तथा मन के समष्टिभूत मानव का जीवन इतिहास केवल उसके जड़ देह तथा उसके द्वारा अनुष्ठित कार्यों के सुविस्तृत विवेचन में ही नहीं जाना जा सकता। जीवनी अथवा इतिहास लिखने में प्रवृत्त हो जड़वादी पाश्चात्य देशों के लोग मुख्यतया घटनाओं के संग्रह में ही अपनी दक्षता का परिचय देते हैं, तथा आत्मवादी हिंदू मानसिक भावों को निपुणता के साथ सन्निविष्ट करना ही कर्तव्य मानते हैं। हमारी धारणा है कि इन दोनों भावों के सामंजस्य से ही यथार्थ जीवनी व इतिहास की रचना हो सकती है। उसमें भी अतः सर्वत्र मानसिक इतिहास को सामने रखकर ही भौतिक कार्यों को लिपिबद्ध करना उचित है। यानी मन का ही वर्णन करना है पर उसकी अभिव्यक्ति जिन शारीरिक घटनाओं में हुई है उसको भी बताना आवश्यक है, नहीं तो कल्पना रह जाती है। अब ऐसा करने जाकर के क्या हुआ कि देखा गया कि मानसिक जो व्यापार है या उनका जो अलौकिक जीवन है अलौकिक, तो इसलिए उसके पीछे जो मानसिक भाव या आदर्श है वो अलग प्रकार के हैं, जिसे हम आध्यात्मिक संज्ञा दे सकते हैं ऐसे हैं, सूक्ष्म है, दिव्य है। तो इसलिए उनको समझने के लिए ऋषि वाक्य रूपी जो शास्त्र उसके बिना वो नहीं समझे जा सकते, साधारण मानव के मन की बातें नहीं है वो। इसलिए एक बात और, हमने इस ग्रंथ में अनेक स्थानों पर शास्त्र की सहायता से श्री राम कृष्णदेव के अलौकिक जीवन का विवेचन किया है। अब क्या होता है कि शास्त्रों के साधारण जो सूक्ष्म भाव अनुभव, इससे भी परे एक वर्ग है और वो वर्ग श्रेणी है अवतार कृतित्व पुरुषों की। तो इसलिए उनके असाधारण मनोभाव अनुभव तथा कार्यों के साथ ही को भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य, चैतन्य देव आदि भारत के इसमें रामचंद्र जी का नाम नहीं आया इसलिए मैं रुक गया था थोड़ा, पर आदि में आ सकता है, तथा ईसा आदि भारतेतर देश के महापुरुषों के अनुभव तथा कार्यों का तुलनात्मक विवेचन भी आवश्यक हुआ है। उसके बिना नहीं समझ सकते हम उस वर्ग के बिना। कारण श्री राम कृष्ण ने बारंबार हमसे यह स्पष्ट निर्देश किया है कि पूर्व पूर्व युगों में
जो राम तथा कृष्ण के रूप में आविर्भूत हुए थे वे ही इस समय अपने शरीर को दिखाकर इस ढांचे के भीतर विद्यमान है। कल एक प्रश्न पूछा गया था क्लास के बाद कि साधन स्वामी जी तो सारे अवतारों के समष्टिभूत उनको कह रहे हैं, तो खुद श्री राम कृष्ण ने खाली राम और कृष्ण का नाम क्यों लिया? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि मैं सारे अवतारों की समष्टि हूं? जो राम और जो कृष्ण होकर के आया था, जो क्या कहते हैं, जो मत्स्य कत्स्य वराह नारद सिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध कल्कि ईसा शंकर मोहम्मद जो सारे इतने नाम लेते रहते धरतुष्ट, इसलिए ऐसा तो कोई नहीं करता। और साधारणता दो की संख्या ऐसी होती है कि जो सबको बता देती। हम दो कौन से लेंगे? वो हमारे भारत के जीवन पर, क्योंकि विदेशी अवतार वगैरह बताए, पर सवाल तो हमारे भारत के आध्यात्मिक जीवन का है। और बाकी सब देशों में तो आध्यात्मिक तो उतनी थी नहीं, तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर हमारे देश पर अगर प्रभाव किसी का है तो इन दो का ही है। अब भारत के आप उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक जाइए, इतना ही नहीं, भारतीय प्रभाव में अगर आप चलते रहे, वाल्मीकि रामायण के आधार पर आजकल बड़ा गवेषणा हो रही है। यानी सुग्रीव ने जब बंदरों को भेजा राम जी सीता की खोज के लिए, तो उन्होंने जो वर्णन किया है वो थाईलैंड, फिलिप, जावा, बाली और दक्षिण अमेरिका तक का वर्णन है। और जापान को आजकल क्या कहते, सूर्योदय का स्थान, ये पाश्चात्य कल्पना है। उसमें सुग्रीव के वर्णन में दक्षिण अमेरिका का पेरू देश जो है वो उसको पूर्व माना गया है। हमारी भारतीय कल्पना थी, वो उसको उदयगिरी कहा गया है वहां के पहाड़ को। तो इसलिए इस प्रदेश में, इस पूरे प्रदेश में राम और कृष्ण इनका जितना प्रभाव है उतना और किसी अवतार का नहीं है। श्रीलंका कहते हैं सिलोन, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, इसमें नाम देखोगे बाजार के रास्तों के रामायण पर है सारे, पुरुषों के नाम सारे। तो इसलिए ये प्रभावित देश। तो फिर इनसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर किसी का नहीं है। और उसमें भी स्वामीकंद ने जो दिखाया, प्रसिद्ध स्तोत्र है उनका, आचंडाला प्रत्युत रहे हो, है ना, तो उसमें पहले परिच्छेद में राम, दूसरे परिच्छेद की पहली तीन पंक्तियों में कृष्ण, और राम का आदर्श जीवन, कृष्ण के आदर्श उपदेश, इनका वर्णन है। और इनके समष्टि अगर हम देखने जाए तो ठाकुर में बड़े उज्ज्वल रूप में दिखाई पड़ते हैं। आदर्श कल हम लोगों ने बात की थी इसकी, कि वो इष्ट होते हैं, विश्व गुरु होते हैं, आदर्श मानव होते हैं, उनसे प्यार किया जा सकता है, आदर्श साधक होते हैं। तो ये रामचंद्र जी के जीवन में जो मनुष्य जीवन के आदर्श जैसे प्रकट हुए हैं वो ठाकुर में सारे विद्यमान है। और श्री कृष्ण रूप में गीता में, गीता में से कैसा उपदेश है, सारी दुनिया को लागू होगा ऐसा उपदेश है। तो इसलिए ये आदर्श उपदेष्टा ये ठाकुर में हम प्रधान रूप से देखेंगे। और इसलिए
राम और कृष्ण एक तरह से सारे अवतारों के प्रतिनिधि हो गए, दूसरी तरह से राम और कृष्ण के जीवन में जो विशेषताएं हैं वो सारी श्री राम कृष्ण में देखी जा रही हैं। इसलिए ठाकुर ने, जैसे मैंने कहा, सारे नाम तो नहीं ले सकते थे, तो प्रतिनिधि के रूप में विशिष्ट दो नाम ले लिए कि जो राम जो कृष्ण होकर के आया था। ठाकुर ने डिटेल बताने जाकर कि ये भी बोल दिया है कि जो चैतन्य होकर के आया था और उनके साथी नित्यानंद, वो दोनों इस शरीर में, ये भी बोला है ठाकुर ने। उसमें जब हम ब्यौरे में जाते हैं तब ये भी आ जाता है, पर प्रातिनिधिक रूप में बताना है तो राम और कृष्ण आते। इतना भी नहीं, ठाकुर ने स्पष्ट रूप में कहा है सारदन समझिए और रामकृष्ण अंदर समझिए के संबंध में कि इनको मैंने ऋषिकेश के जीवन लीला के समय देखा था। ऋषिकेश माने ईसा मसीह। अब ठाकुर वहां कहां गए थे देखने? मैंने स्पष्ट है कि ठाकुर ईसा मसीह थे, इसलिए इनको विशेष रूप में देखा है। अब मैं कुछ बातें करने लगूंगा तो बढ़ जाता है। ये दो ही नहीं थे, तो मैं अपने गुरुजी का वर्णन करूंगा। उनको एक दिन ध्यान के समय कुछ एक दृश्य दिखा, ध्यान करते में, कि एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर कोई महापुरुष बैठा हुआ है और वो खुद, मैंने जिस वेश में, अभी उस वेश में नहीं, पर वो खुद उस पहाड़ी पर चढ़ करके जा रहे हैं। उन्होंने पूरा दृश्य का वर्णन सारदान स्वामी जी को कर दिया कि महाराज मैंने ऐसा ऐसा देखा, इसका क्या तात्पर्य है। उन्होंने कहा कि ईसा के समय महापुरुष जी का जो रूप था वो तुमने देखा और उस समय भी तुम उनके पास गए थे, वो तुम्हारे ध्यान में आ जाए, ये सारदान जी ने कहा था। इसलिए जैसे ठाकुर ने कहा कि वो कल मेरे साथ, मैंने एक खींचो तो सब एक साथ आते हैं, तो ऐसे लोग बार बार आए हुए, तो इसलिए ईसा भी ठाकुर थे, चैतन्य भी थे, इसलिए सारे नाम में लेते हुए ठाकुर ने राम और कृष्ण कहा। और जैसे मैंने कहा, विशेष रूप में ये दो हमको दिखते हैं बिल्कुल। तो जो राम तथा कृष्ण के रूप में आविर्भूत हुए थे वे ही इस समय, अब हिंदी में वो राम और कृष्ण करके इकट्ठा कर दिया। मूल बांग्ला में कैसा है, जो राम होकर के आया था, जो कृष्ण होकर के आया था वो, तो उसमें और भी स्पष्ट हो रहा है कि जो की बात है राम या कृष्ण की नहीं है, और जो है वो ईश्वर, वही इस रूप में आया था, वो इस रूप में आया था, वो अभी इस रूप में आया है। फिर मैंने बताया था कल परसों कि वो युग की आवश्यकताओं के अनुसार आता है। और यहाँ के मेरे अनुभव समूह वेद वेदांत का भी अतिक्रमण कर चुके हैं, ये विभिन्न कल बताया था। और वेद वेदांत ऋषियों ने अगर लिखे होंगे तो उनसे ऊपर जो है वो अवतारों की ही बात रह जाती है, तो इसलिए ये वेद वेदांत का अतिक्रमण कर चुके हैं। इसमें तीव्रता, विविधता और विविधता में तीव्रता, ये बातें सम्मिलित हो जाती हैं। यथार्थता भावमुख में अवस्थित श्री राम कृष्ण देव के जीवन का यथासंभव निरपेक्ष विवेचन करने पर हमें बाध्य होकर यह स्वीकार करना पड़ा है कि आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार का अलौकिक जीवन इससे पूर्व कभी देखने में नहीं आया। हमने कहा था कि भावमुखी विवेचना बाद में करेंगे, और इससे पूर्व कभी देखने में नहीं आया, यानी अवतारों में भी सर्वश्रेष्ठ हो गए।
एकदम ने बताया इस ग्रुप में, इस ग्रुप में और उससे भी परे ऐसे। तो और जैसे मैंने कहा बाद में नहीं होगा ऐसा न विवेकानंद कहते न सारदानंद कहते, ऐसा कहने पर कट्टरता संकुचितता हो जाती है, पर वस्तु स्थिति के रूप में ये उनके निरपेक्ष विवेचन में ये पाया गया है। पहले से ठीक नहीं क्या कि उन्होंने ऐसा देखेंगे, विश्लेषण करते हुए निरपेक्ष विवेचन करते हुए कैसा संबंध ठीक है, निरपेक्ष विवेचन करते हुए यही पाया उन्होंने कि इससे पूर्व कभी देखने में नहीं आया। अब और एक बात, यानी इनमें विशिष्ट ऐसे हो गए, पर विशिष्ट किस प्रकार के हुए, साथ ही पूर्वकालीन समस्त अवत, अरे विशिष्ट कहने पर मुझे और एक बात याद आ गई, ऐसे विशिष्ट महत्व की नहीं है पूर्वी कि ग्रंथावली यानी मराठी में जब इसका अनुवाद हुआ तो एक आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ कवि उपलब्ध थे, उनका नाम इनिशियल कुछ भी हो अण्णा साहेब खापर्डे कहते थे, तो कविताओं का अनुवाद उनसे कराया गया। अब ये है कौन सा स्वामी जी का श्लोक, स्थापक है जो धर्म से अवतार वरिष्ठ आए, उन्होंने अवतार विशिष्ट आया कर दिया, क्योंकि दिमाग में जाना चाहिए ना, नहीं गए। पर संपादक का अधिकार होता है छापने का, तो संपादक ने उनको लिख दिया कि अब वरिष्ठ आय करने देंगे, इसमें मराठी में वरिष्ठ आय ही किया गया, अवतार विशिष्ट आला मराठी में अवतार वरिष्ठ आला कर दिया गया। तो ये मुझे याद आया इसे मैंने बताया, बाघ खपरडे से कहते रहे थे। तो यानी बड़े बड़े नामवंत कवि थे गिरीश, पर उनका अनुवाद है ठाकुर के एक गाने के ऊपर, पर वो कैसा कवि की दृष्टि से हो गया, साहित्यकार की दृष्टि से हो गया, आध्यात्मिक गुण भाव से नहीं हुआ, इसमें ये एक पॉइंट थे। खैर प्रासंगिक बात आ गई थोड़ी सी मराठी की, उसमें वो विशिष्ट शब्द देख करके साथ ही पूर्वकालीन समस्त अवतारों के मतान्वय बनकर हम ठाकुर ने नहीं कहा मैं नया कुछ करने जा रहा हूं, पूर्वकालीन अवतारों के मतान्वय हो गए क्योंकि वो प्रमाण है, इसलिए उसको फल किया उन्होंने। सब प्रकार के साधन मार्ग में स्वल्प काल में ही सिद्धि प्राप्त कर, अब ये उनकी अति अद्भुत विशिष्टता न देखी न सुनी गई कि जो भी साधना उन्होंने ली 3 दिन में पूर्ण हो जाती थी, कल्पना भी नहीं किसी को थी कि मैं सब करूंगा, और संभव भी नहीं होता, स्वल्प काल में हुआ इसलिए संभव हुआ है, वो ये 3 दिन में हो गया वो 3 दिन में हो गया। अब वो तंत्र ग्रंथों की बात आती है, इसमें कुछ लोगों की गलत फहमी हो जाती है, 64 तंत्रों में उपलब्ध साधन कहा गया है, 64 साधन नहीं, 64 धर्म ग्रंथ, तंत्र के ग्रंथ 64, और हर एक ग्रंथ में कितने ही तरह की साधना है वो सारी। नहीं तो 3-3 दिन में हुआ और 2 साल क्यों लगे 64 करने की, कितनी सारी साधना है। सब प्रकार के साधन मार्ग में स्वल्प काल में ही सिद्धि प्राप्त कर, उन्होंने जितने मत हैं उतने ही पथ हैं,
इस प्रकार के जिस नवीन तत्व का आविष्कार कर लोकहितार्थ जिसे अभिव्यक्त किया है उसका विवेचन कर हम पूर्व पूर्व युगों में आविर्भूत समस्त अवतार पुरुषों की घनीभूत समष्टि यानी कंडेंस्ड कंबाइंड एडिशन कहेंगे। तथा नवीन अभिव्यक्ति इस युग के अनुसार अभिव्यक्ति कर रहे हैं उसकी, इसलिए मैंने कहा कि अंग्रेजी में कहेंगे कंबाइंड रिवाइज्ड एडिशन। के रूप में भी उन्हें मानने को सहर्ष बाध्य हुए हैं पर उसमें आनंद भी है इसलिए सहर्ष बाध्य हुए। वास्तव में श्री राम कृष्णदेव के अदृष्ट पूर्व जीवन का जितना ही हमने विश्लेषण किया है उतना ही वैदिक सार्वजनिक तथा सनातन अध्यात्म भाव वृक्ष के सार समष्टि समुद्भूत प्रथमोत्पन्न फल के रूप में उसे निर्धारित करने को हमें बाध्य होना ही पड़ा है। अब इसमें वैदिक सार्वजनिक तथा सनातन अध्यात्म भाव वृक्ष तो इसमें कौन सा शब्द पहले रहा एनालिसिस के लिए? सार्वजनिक और सनातन। अब ये सनातन जो शब्द है हिंदी में इससे मिलता जुलता एक शब्द है सनातनी और अर्थ बिल्कुल अलग अलग है, याद रखिए बिल्कुल अलग अलग है। सनातन माने जो कभी पुराना हुआ ही नहीं, जैसा उस युग में था आज भी वैसा ही नित्य सनातन। और सनातनी का अर्थ होता है रूढ़िवादी, जो कल से हम वैसे ही कपड़े पहनेंगे। वे मेरे पुरखे ऐसा करते थे मैं वैसे ही करूंगा, ये सनातनी खूब संकुचित लोग होते हैं। और सनातन धर्म के अनुयायी खूब विशाल हृदय होते हैं। क्यों? वैदिक धर्म में कितने ही प्रकार के आध्यात्मिक अनुभवों की बात आती है, कितने ही प्रकार के, कितने ही सतहों के, कितने ही प्रकार के आध्यात्मिक अनुभवों की बात आती है। इसलिए वैदिक धर्म जो है वो विशाल, इसका नाम दे दिया उन्होंने सार्वजनिक। सार्वजनिक सार्वभौमिक भी कहते हैं लोग, यानी सार्वजनिक का अर्थ नहीं पॉपुलर, यह अर्थ नहीं बिल्कुल, और सार्वजनिक का यह भी अर्थ नहीं कि सब लोगों ने एक ही फॉलो करना है, यह भी अर्थ नहीं होता उसका। जिस जिसको अपने बुद्धि मनोभाव के अनुसार उसमें रास्ता मिल जाता है उस प्रकार के अनुभव उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण, छोटा सा, ईसाई लोग कहते हैं परमपिता, और दुनिया के बहुत से धर्म परमपिता कहते हैं, किंतु वेदों में हमारे पिता भी हैं, हमारी माँ भी हैं, हमारे, इसके एक मजा बताएं। भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली शुरू की लॉर्ड मैकॉले साहेब ने 1826 और उसमें उन्होंने जो हेतु अपने लिखे हैं सारे कि भारतीयों को सेकेंडरी बना दूंगा, इनको अपने धर्म का अभिमान नहीं रहने दूंगा, उसमें उन्होंने लिखा है कि 30 साल में बंगालियों को काली भुला दूंगा, क्योंकि उनके दृष्टि से पिता होते मां नहीं हो सकते। बोलो तो पागल बना है, इनका सुपरस्टिशन है,
इनको हमारी शिक्षा पढ़ेंगे तो मिट जाएगा ये। 1836 अब फिर 200 साल हो गए, बंगाली काली नहीं भूली, परंतु हम बाइबल पढ़ते हैं अंग्रेजी में, मैकले साहब ने भी पढ़ा होगा। अब ईसाई लोग कहते हैं कि हमारा अनुवाद गलत है, मूल जो हिब्रू भाषा में ग्रंथ है इनका, उसमें जो शब्द है वो पेरेंट्स इस अर्थ में आ रहा है, माता और पिता दोनों उसमें। ये हो गया, बंगालियों से घिस घिस करके उनकी बुद्धि में ये आ गया। तो ये वेदों की बड़ी विशेषता है। हिब्रू में क्या नाम है? वो शब्द से मुझे नहीं मालूम, ईसाई लोग ऐसा कह रहे हैं कि आपको चाहिए तो मेरे पास कहीं तो भी एक पुस्तक भी है, हिब्रू भाषा दी है, अंग्रेजी दी है, हिंदी दी है, सारा दिए। पर उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजी में अनुवाद, देखो अनुवाद सुर हो जाता है ना अपने बुद्धि के अनुसार, जो भी अनुवाद किसी भाषा का किसी भाषा में एग्जैक्ट नहीं हुआ आज तक, तो इसलिए ये बात आ गई। अब वेदों की विशेषता, तो मैंने सखा ये भी है, द्वा सुपर्णा से विजा सखाया, तो इसलिए अरे ये मधुर भाव इत्यादि सारा वेदों में, तो इसलिए ये वेद मूर्ति ऐसा स्वामी का श्री रामकृष्ण को कहा है। तो वैदिक धर्म माने एक फिक्स्ड धर्म पंथ नहीं, इसको याद रखिए। वैदिक है कि कट्टरता कोई करेगा तो वैदिक नहीं, वैदिक धर्म का स्वरूप ही उदार विशाल है, और वो सार्वजनिक इस रूप में है कि जो चाहे उसको उस तरह का मिल जाएगा उसमें। तो वैदिक सार्वजनिक तथा सनातन, सनातन मैंने बता दिया अभी कि जो बदलेगा ही नहीं, सनातनी रूढ़िवादी ऐसा नहीं। अपना प्रसंग छोड़ दूंगा, एक यहां पर कल्चर इंस्टीट्यूट में कुछ सालों पहले एक शिक्षा को लेकर के बातें चली थी, तो यादवपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उपस्थित थे, धोती पहन के आए हुए थे, और उन्होंने कहा कि प्राचीन प्रथा आजकल नहीं रही, नष्ट हो गई। तो मैंने कहा कि प्राचीन तो नष्ट होने की थी, आज धोती पहन के नहीं आते लोग। देखो मैं प्रत्यक्ष घटना बताता हूं, डाइग्रेशन हो रहा है। चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्राध्यापक का एडवर्टीजमेंट हुआ, और एक बिहारी विद्वान आए धोती पहन के, लोगों ने कहा इंटरव्यू में भी नहीं घुसने देंगे तुमको, पैंट पहन के आजकल की बात ये है। तो पुरानी रूढ़ियां नहीं रहेंगी, तो इन्होंने कहा वैदिक सार्वजनिक तथा सनातन अध्यात्म भाव वृक्ष। अब ये धर्म और अध्यात्म ऐसा भाग करना आज की रीति हो गई है, वो धर्म को जानते ही नहीं है, बाहर की रूढ़ियों को ही धर्म कहते हैं। तो इसलिए धर्म माने अध्यात्म, अध्यात्म माने धर्म, उसे निर्धारित करने को हमें बाध्य होना ही पड़ा है। यहां तक पढ़ा था हम लोगों ने, ये संबंध मन में आ गया। अब एक महत्व की बातें आ रही बहुत सी, अभी यह कहना शायद अत्युक्ति न हो, बंगाली में एक क्लॉज बहुत बाद में डाली गई है पर हिंदी के रचना में पहले आ गई है, ठीक है। महाराज
श्री राम कृष्ण चरणाश्रित देखो मैं कल बता रहा था कि विवेकानंद के गुरु श्री राम कृष्ण ने देखो श्री राम कृष्ण के शिष्य किस प्रकार से ले रहे हैं। श्री राम कृष्ण चरणाश्रित पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी द्वारा धर्म प्रचार किए जाने के बाद से श्री राम कृष्ण देव के जीवन वृत्तांत को समझने के लिए सर्वसाधारण के आग्रह को देखकर मैंने सर्वसाधारण का आग्रह तब हुआ जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म प्रचार किया तब, और स्वामी विवेकानंद ने धर्म प्रचार कहाँ किया? अमेरिका में, और अमेरिका में इंग्लैंड में जो किया उसकी छाप भारत पर ज्यादा पड़ी क्योंकि हमारी गुलामी मनोनुक्ति हो गई थी। साहब ने क्या कहा, साहब ने क्या किया, उन्होंने अप्रिशिएट किया तो उसमें कुछ होगा। तो तब से क्या हुआ कि लोगों में श्री राम कृष्ण देव के जानने की इच्छा ज्यादा प्रबल हो गई। मैंने वस्तु स्थिति का वर्णन है सारा, मजा की बात बताऊं, स्वामी विवेकानंद में और बाकी गुरु भाइयों में बातें चल रही है, अद्भुतान जी लाटू महाराज भी प्रेजेंट है। तो स्वामी विवेकानंद कह रहे मैं प्रचार नहीं करता तो तेरे गुरु को कोई जानता? मजाक से जी लाटू महाराज कह रहे हैं कि वो नहीं होते तो तू एक गली का बैरिस्टर होता। तो इसलिए ये नहीं होते का सवाल ही नहीं आता, ऐसा होना ही था। परंतु ये फैक्ट है कि सर्वसाधारण के आग्रह हो गया तो हाँ? अब ये क्लॉक चल रही है हाँ? ऐसा जो हुआ इस आग्रह को देखकर इस समय यद्यपि अनेक व्यक्तियों ने इस संबंध में बहुत कुछ लिखा है, अनेक व्यक्ति अभी केशव सेन ने तो पहले लिखा है, पर राम बाबू सुरेश दत्त इन लोगों ने ठाकुर के बारे में चरित्र लिखा, और मास्टर महाशय ने इस वक्त नहीं लिखा या इस उद्देश्य से भी नहीं लिखा, उन्होंने तो लिखा अपना, उसका जिक्र बाद में आएगा यहाँ पर हा? तो ये हम साधारणता, और भी लोगों ने शुरू कर दिया था लिखना, ये दो प्रमुख नाम याद आ रहे। संबंध में बहुत कुछ लिखा है फिर भी, यानी ग्रंथकार अपने ग्रंथ की आवश्यकता को बताता है, अपने ग्रंथ की विशेषता को बताता है कि मैं क्यों लिख रहा हूं। तो इसलिए कह रहे कि पहले लिखा है लोगों ने, फिर भी उस अलौकिक जीवन के साथ सनातन हिंदू या वैदिक धर्म का जो गूढ़ संबंध है, यहां मैंने बताया था ना, सनातन है हिंदू नाम बाद में आया, हमारे धर्म का नाम हिंदू ये मुसलमानों ने हमको नाम दिया, स का उच्चारण नहीं कर पाते ग्रीक लोग, हमको यवन कहते हैं, वो हमारे देश में आए तो वो स को ओ कहते थे, तो उन्होंने सिंधु नदी के इस पार बसने वाले लोग इतना बसर थे, और वो इंडिया इंडस वैली, और इधर से आए अरब देशों से, वो स को ओ कहते थे। आज भी हम जिसे आसाम कहते हैं उसे आसामी लोग आसाम नहीं कहते, अहमिया कहते, तो स का हो गया तो हिंदू हो गया। तो उन्होंने तो ये देखा कि सिंधु नदी के इस पार बसने वाले, उनको इतना समझ में नहीं आया कि बहुत हजार संप्रदाय है इसमें, पर इसमें एक विशेषता है कि ये लोग अध्यात्म को धर्म समझते, ये लोग भगवान को पाने की कोशिश करते, इनका धर्म आध्यात्मिक है, ये विशेषता उनको समझ में आई। अरे को यानी हम लोगों से अलग धर्म है इनका, इसलिए उन्होंने कॉमन नाम दे दिया हिंदू धर्म, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान हिंदुस्तानी इंडिया इंडियन
एक ही अर्थ होता है अलग अलग देशों के मनुष्यों के मुंह में, क्योंकि कुछ लोग आजकल से बात कर इंडियन कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, ऐसा भी कहते हो संकुचित लोग। तो इसलिए सनातन हिंदू यानी सनातन धर्म का नाम हो गया हिंदू धर्म, ये इसका अर्थ हुआ। सनातन हिंदू कहने पर सनातनी नहीं, मैंने बोल दिया था, संकुचित नहीं, रूढ़िवादी नहीं, सनातन धर्म का नाम हो गया हिंदू। हिंदू या वैदिक, उसका सही अर्थ वैदिक है। अच्छा, वैदिक नाम कब से आया मालूम है उन लोग को? लोकमान्य तिलक के ग्रंथ में इसका स्पष्ट होंगे, उन्होंने कहा, जैसे हमारे देश मान लो, हाँ, अब कश्मीर में शैव लोग हैं, दक्षिण में शैव लोग हैं, गणपत्य हैं और शाक्त हैं, वैष्णव हैं, ये लोग अपने को एक धर्म का नहीं मानते थे हमारे देश। तुम कौन हम गणपत हैं, तुम कौन सौर्य हैं, ये शंकराचार्य का काम था कि उन्होंने सारे भारत में घूम घूम करके बताया कि तुम सौर धर्म कहते हो, पर सौर धर्म को मूल आधार अगर चाहिए तुमको तो वेदों में ही मिलेगा, इसलिए तुम वैदिक धर्म के सौर बनती हो। ऐसा उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम करके किया, तुम गणपति, अरे गणपति को आधार तो वेदों में मिलता है, तुम वैदिक धर्म के गणपति संप्रदाय के हो, ऐसा उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम करके किया और पूरे भारत में एक ही धर्म बताया उन्होंने, वैदिक धर्म। अब आगे का कालखंड आया, जैसे हम दो तीन दिन से बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया एक साथ आ गई, तो ये हमारा हिंदू और वो ईसाई और बौद्ध और जैन, अब इन सब धर्मों में एकता बताने वाला है विवेकानंद, ये लोकमान्य तिलक ने कहा कि तब उपलब्ध सारे धर्मों को एक बना दिया था शंकराचार्य ने, और आज की आवश्यकताओं के अनुसार सारे दुनिया के धर्मों का सामंजस्य एक बताने वाला आया विवेकानंद। अब यहां पर है वाक्य पूरा नहीं हुआ अभी, हाँ, वैदिक धर्म का जो गूढ़ संबंध है, गूढ़ संबंध, गूढ़ का अर्थ क्या है? छिपा हुआ, ऊपर ऊपर से देखने पर नहीं दिखेगा। अब जैसे मैंने कहा ना, गणपत्य गणपत्य सौरे, ऊपर ऊपर से तो अलग है बिल्कुल, तो जब गहराई में जाओगे तब इनका एक ही संबंध है, उसका नाम है हिंदू, उसका नाम है वैदिक, ठीक है। अब ये जो गूढ़ संबंध है, उस विषय में अभी तक किसी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए इसका कोई विवेचन नहीं किया है। ये जो अत्युक्ति का है ना ऊपर में, इसका इसके साथ संबंध है। मैं बिल्कुल आखिरी में डूंगा, ऐसा कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी, ये वस्तु स्थिति है, ये उनका कहना है कि हम कोई बड़ा चढ़ा के इस बात को नहीं कह रहे हैं कि ये जो है ऐसा ऐसा संबंध किसी ने नहीं बताया, ऐसा कहने में कोई अत्युक्ति नहीं। अब यहां पर मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं गोवा में गया था और अपने भक्तों के रहने की व्यवस्था थी, पर खाना खाने गए थे हम लोग एक कट्टर हिंदू या जिसे हम आरएसएस कहते हैं ना, उनके सदस्य के घर में।
उन्होंने खाना खाते में बात छेड़ी कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हिंदू धर्म की मूल धारा से रामकृष्ण मिशन बह गया है, ये उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो मैंने खाना खाते में उनको थोड़ा सा ही बताया कि हिंदू धर्म की मूल शाखा रामकृष्ण मिशन है। हिंदू धर्म की मूल शाखा आप किसको कहते, किसी संकुचित भाव को? हिंदू धर्म के मुख्य धारा में है कि सबका अभिशाप करना, वो कौन गुण आए शक आए सबको संभालिया, बौद्धों को संभालिया जैनों को संभालिया, ये हिंदू धर्म की मूल धारा है। तो हिंदू धर्म के मूल धारा रामकृष्ण मिशन में दिख रहे आपको, बाकी आप जिसको कह रहे वो नहीं है हिंदू धर्म की मूल धारा। उसके बाद तीन दिन में तीन चार व्याख्यान हुए अलग अलग सब्जे के एक ही विषय लेकर के बात की थी मैंने। हिंदू धर्म की मूल धारा देखना है तो इसके बाद जो समझी का प्रबंध है ना हिंदू धर्म और रामकृष्ण, उसमें समझी ने बात दिखाई है कि हिंदू धर्म में एकता कहाँ है, ये ठाकुर ने दिखाया, नहीं तो बिखरे बिखरे बनते हैं। तो इसलिए ये सवाल यहां पर साधन जी कह रहे। अब ये कहां दिखेगा, गुड़ में जाओगे तो ऊपर ऊपर से नहीं दिखेगा। तो ये गुड़ संबंध कोई बता ही नहीं पाया, ठाकुर के बारे में लिख रहा है। अब उनकी अपनी जो संकुचित बुद्धि उसके अनुसार लिख रहे, ये नहीं बता पाया कोई। मैंने साधन जी को पुस्तक लिखने की जरूरत क्यों पड़ी इसके बारे में चल रहा है फलता, ठीक है समझाया। उन पुस्तकों के पढ़ने से इस प्रकार की विपरीत धारणा ही मन में उत्पन्न होती है कि मानो श्री राम कृष्ण सनातन धर्म से कोई पृथक व्यक्ति थे, ऐसी धारणा उत्पन्न हो जाती होते ना। कई लोग अपने अपने संप्रदाय शुरू कर अपने नाम से शुरू कर देते संप्रदाय, तो ऐसे कोई सनातन धर्म से युक्त व्यक्ति थे तथा सांप्रदायिक मत विशेष, सांप्रदायिक मत विशेष माने वही एक संप्रदाय हिंदू धर्म का नहीं, सांप्रदायिक मत विशेष विशिष्ट मत की सृष्टि के लिए उनका आविर्भाव हुआ था। ये हिंदी में थोड़ा अनुवाद में ऐसा हो गया है, यानी यही उन्होंने किया था, ये बंगाली में कहेंगे कि उन्होंने यही अपने जीवन में किया, तो इसलिए उनका आविर्भाव इसलिए हुआ था कि उनका आविर्भाव हुआ था। ये एक बात है कि जिसके लिए सरदार समझी को रखना पड़ा कि ये तो हिंदू धर्म की मूल धारा बोलो या हिंदू धर्म का संबंध जो है वो उनमें ही दिखाई पड़ेगा थोड़ा गुड़ में जाकर के। इसके लिए अब और बातें, इतनी बात नहीं खाली, साथ ही मैंने और एक बात, उनमें से अनेक ग्रंथों में श्री राम कृष्ण देव के जीवन की घटनाओं का जो वर्णन किया गया है वह भी अनेक भ्रम प्रमादों से पूर्ण है। आज को भी सब बात आएगी, उसमें कोई ढंग की बातें नहीं आएगी। अब यहां पर एक आ रहा है, रहे अवशिष्ट ग्रंथ, ये तैयार की हिंदी में फिलहाल, यानी ऐसे जो नहीं है वो है ना। अवशेष ग्रंथ माने जो ब्रह्म प्रमाद पूर्ण नहीं है, ऐसे भी ग्रंथ हैं। कौन सा ग्रंथ है बताइए, जो ब्रह्म प्रमाद पूर्ण नहीं है ऐसा ग्रंथ ठाकुर के बारे में? अरे लीला प्रसंग तो लिखेंगे अभी, श्री रामकृष्ण वचनामृत कथामृत गॉस्पेल, इसमें कोई एक भी भूलने नहीं कर सकता। परंतु उससे काम नहीं बनेगा, इसका सरदन स्वामी जी वर्णन कर रहे भी,
पर इससे अलग बचा हुआ ग्रंथ जो कहा तो वो यही है ना, यानी बचा हुआ माने जिसमें भ्रम प्रमाद नहीं है, यही हुआ ना। तो ऐसा हम लोगों को तो एक ही ग्रंथ बताए ना। अब वो होते हुए आपने क्यों लिखा, ये भी सवाल आ रहा है ना। माने संप्रदाय विशेष वाले नहीं हमको लिखना है, ब्रह्म प्रमाद पूर्ण है हमको सही लिखना है, ऐसा जो ग्रंथ है तो फिर आपको क्यों लिखना है। और इनसे जो अलग है, ठीक है, मूल में है रहे अवशिष्ट ग्रंथ, तो इनसे और इनसे जो अलग है उनमें उनके जीवन वृत्तांतों के, ठाकुर के जीवन वृत्तांतों के वास्तविक तात्पर्य क्रम तथा पूर्वापर संबंध विद्यमान नहीं है, क्योंकि मास्टर महाशय का काम ही नहीं था। मास्टर महाशय का काम था क्रोनोलॉजिकली फैक्ट को प्रेजेंट करना। कहीं कहीं उन्होंने एक रिफ्लेक्शन के तौर पर ऐसा दिखता है, शायद ये अवतार थे, शायद ऐसा कह रहे थे, ऐसा थोड़ा सा रिफ्लेक्शन डाला है, पर तात्पर्य अर्थ तो पता ही नहीं कहीं। और शारदन स्वामी जी जैसे शुरू में कह दिया ना कि हमने तो वो मन की सारी चीजें देख करके बोला है, मन के भाव और उद्देश्यों को ही प्रधान रख करके जीवन की घटना को वर्णन किया है, तो ये पंचामृत में नहीं है, क्रम नहीं है, क्रोनोलॉजी है, क्रम नहीं है। यानी क्रम के साथ अगला शब्द भी जोड़ दो फिर अलग समझ में आ जाएगा कि पूर्वापर संबंध विद्यमान नहीं है। अब मैं अपना अनुभव बताता हूं, हर एक कहीं गॉस्पेल पढ़ने को लो, उसमें स्वामी एकांत से ये कह रहे, इससे ये कह रहे, इससे ये कह रहे, इसमें भी आपस में संबंध नहीं है, बिल्कुल हर एक से अलग अलग कह रहे। अब विवेकानंद को पढ़ा हमने और मन में यह हुआ कि अच्छा बाद में विवेकानंद ने क्या किया, अब पत्ते पलटो जब तक विवेकानंद दोबारा नहीं आता। मैंने आज के प्रसंग का कल के प्रसंग के साथ क्रम भी नहीं है, पूरा पर संबंध भी नहीं है। ये तो पढ़ने वाले की इतनी मुश्किल हो जाती है कभी कभी इस दृष्टि से पढ़े तो। और डॉक्टर सरकार को कुछ शिकार है, फिर दूसरे से प्रसंग आ गए, फिर सरकार दूसरी बार आएंगे तब उसकी कंटिन्यूटी चलेगी। बात समझ में आ रही, ये वर्णन केवल और केवल गॉस्पेल कथा अमृत वचन अमृत का ही है, जिसमें भूल बताने को बिल्कुल नहीं, पर उनका उद्देश्य ही अलग था। उन्होंने तो क्रोनोलॉजी लिखनी थी, तारीफ पर लिखना था, और जैसा जैसा हुआ वैसा लिखना था, अर्थ बताने को फुर्सत कहां है उनको। जैसे कहने कहीं कहीं दो चार रिफ्लेक्शन से छोड़ती है बस, वो भी गारंटी से नहीं बताने, ऐसा है ऐसा नहीं बोला है, शायद ऐसा है, शायद ऐसा है, ऐसा कहीं। क्रम कहां से आएगा, पूर्व अपर संबंध नहीं है। अब शारदान जी को देखो, ये गोपाल की माँ की बात आएगी, एक प्रसंग आएगा गोपाल की माँ का, और ये गोपाल के माँ के जन्म से मरने तक पूरा एक साथ देखेंगे, फिर दूसरा प्रसंग उठाएंगे। ये शारदान स्वामी जी की शैली, एक कोई चीज पकड़ी तो उसका पूर्वापर संबंध क्रम पूरा करके तब वो दूसरी घटना लेते हैं, ये उनका मेथड है। ये वाला फर्क समझ आ गया। अब आध्यात्मिक जीवन में अगर हम कोई भी भाव पकड़ते हैं तो हमको उस भाव से पूरा समझना पड़ेगा। ठाकुर ने एक भाव जब लिया तो एक ही भाव लिया ना, वो पूरा करके तब दूसरा भाव लिया ना, तो हमारे जीवन की आवश्यकता तो ये है, इसलिए साधन स्वामी जी ने ग्रंथ लिखा। ब्रह्म प्रमाद पूर्ण नहीं चाहिए और पूर्वापर संबंध दिखाने वाला ग्रंथ लिखना आवश्यक है। ठीक है, मूल धारा सनातन धर्म से अलग नहीं, ये दिखाना। मूल धारा सनातन धर्म से अलग नहीं, ये दिखाना।
वो तो ऊपर ही चला गया गुड़ संबंध, हाँ ठीक है ना, उसमें गॉस्पेल वगैरह की बात नहीं आ रही है। अवशिष्ट है ये, इसके साथ अवशिष्ट भ्रमत प्रमत पूर्ण और बचे हुए, ठीक है। तो जो भ्रमत प्रमत पूर्ण नहीं है वो वहां पर गुड़ संबंध वगैरह ये इन जनरल हो गया। आप गॉस्पेल में ऐसा नहीं कह सकते, हम वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि ठाकुर एक साथ काली की बात कर रहे, फिर वो राधा गोविंद के गाने गा रहे, फिर निराकारों की बात कर रहे, साकार। ठाकुर को पढ़ने को ऐसा नहीं लगेगा कि ये मूल धारा नहीं है गॉस्पेल को पढ़ने से, परंतु उसमें केवल यह है कि वो ब्रह्म मैंने संबंध नहीं, क्रम नहीं है, संबंध नहीं, और बाकी जो है वो उनको उनके साथ जोड़ दो कि मूलधारा के साथ संबंधित नहीं है और ब्रह्म प्रमद पूर्ण है। कहे ना इनमें से अनेक, तो अनेक तो ब्रह्म प्रमद पूर्ण, एक कैटेगरी ले लो उसमें इन दोनों को जोड़ दो कि हिंदू धर्म के साथ गुड़ संबंध नहीं दिख रहा है और ब्रह्म प्रमद पूर्ण, और दूसरे ले लो जो हिंदू धर्म के साथ संबंध भी दिख रहा है ब्रह्म प्रमद पूर्ण भी नहीं है, वो है गॉस्पेल, और इन दोनों से उद्देश्य पूर्ति नहीं हो रही है जो प्रीफेस में पहले परिच्छेद में हम लोगों ने पढ़ा था, इसलिए साधना समझी को रचना करनी, ठीक है। सर्वसाधारण के इस अभाव को यथाशक्ति दूर करने के निमित्त, यथाशक्ति तो कहेंगे ही वो, दूर करने के निमित्त अभी अभी पूरा नहीं हुआ है प्रिपेयर, उनके महान तथा उदार जीवन के बारे में, बंगाल में एक ही शब्द है महद उदार, ठीक है, महान तथा उदार। अब महान तो हम देख ही रहे हैं, हाँ ग्रेटेस्ट, अब उदार का अर्थ क्या है यहां पर, यानी साधारण अर्थ से अलग बताना है ना, उदार माने पैसे बांट रहे ऐसा उदार नहीं, ठीक है, उदार माने ब्रॉड जिसे हम कहते विशाल, ये सारे धर्मों का समावेश है उसमें, सारे भावों का समावेश है, इस तरह का उदार जीवन आज तक देखा ही नहीं किसी ने। यथाशक्ति दूर करने के निमित्त उनके महान तथा उदार जीवन के बारे में हमें जो कुछ अनुभव हुआ, इसमें अनुभव कहां से आ गया रे, हाँ बाद में उपलब्धि गई है, तो यहां पर उपलब्धि कहो या हमारी समझ में जो आया है, या देखो हमारे समक्ष जिस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है, ये अनुवाद होगा, ये महान उदार जीवन हमारे समक्ष जिस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है, क्योंकि सबको आंखें नहीं है, अभी हम कौन है, तथा जिन भावों की वाक्य चल रहा है अभी, जिन भावों की उपलब्धि कर स्वामी विवेकानंद एवं हम लोग, नहीं देखो एवं माने दो अलग अलग नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद प्रमुख हम लोग एक कैटेगरी बना ली वर्ग, बाकी दुनिया और स्वामी विवेकानंद जिसमें लीडर है वो वर्ग। अब इनकी विशेषता क्या है, इनकी भी तो कोई विशेषता होनी चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी के, हाँ स्वामी विवेकानंद एवं हम लोग, स्वामी विवेकानंद प्रमुख हम लोगों ने उनके श्री चरणों में आत्मोत्सर्ग किया है, उन भावों की उपलब्धि करके हमने जीवन ही छोड़ दिया, पूरा उनको दे दिया, उसी का कुछ अंश, यानी पूरा तो कोई बता नहीं पाएगा ना, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के पदानुगामी बनकर, यानी विवेकानंद की जो दृष्टि है उसी दृष्टि से हम भी देख रहे हैं, इसलिए उनके पदानुगामी है। हमने इस ग्रंथ में व्यक्त करने का प्रयास किया है,
ठीक है। अब ये कौन से भाव है? जो सबके समझ में नहीं आए और इनको समझ में आए, देखो यहां से एक स्वामी शारदान जी ने श्री राम कृष्ण देव के तिथि पूजा के दिन या पब्लिक तिथि पूजा के दिन एक व्याख्यान दिया था, जिसको इस लीला प्रसंग में गुरुभाव उत्तरार्ध के परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया है। उसका नाम है श्री राम कृष्ण देव का मानव भाव, बहुत ही महत्व का है वो, और ये चीज वहां पर अधिक स्पष्ट हो रही है। हमारा समय समाप्त हो गया आज, तो कल के लिए स्थगित रखोगे उसको? थोड़ा सा इंगित कर लिया जाए तो जो हमारे पास दूसरा खंड है ना हिंदी में, उसका पेज वहां तो कंटिन्यूस है ना, तो उसमें पेज 737, 37, 738 और बंगाली में तो मुश्किल है, मैंने बताया ना कि हर एक के पेज अलग अलग। तो ये जो गुरुभाव उत्तरार्ध के अंत में परिशिष्ट, वहां का पेज 155, पर उसका ही 155 है, उसके दूसरे बाद में दिव्य भाव के पेज अलग हो जाएंगे। ठाकुरेर मनुष्य भाव, श्री राम कृष्ण देव की योग विभूतियों की बातों को सुनकर ही साधारण लोगों की उनके प्रति भक्ति। अब मैं दो तीन परिच्छेद इसके अपने बता देता हूं, कल पढ़ेंगे इसको। हाँ, कि कहरी ठाकुर के पास लोग क्यों जाते थे? उनकी योग शक्तियां थी, हमें भी मिल जाएंगी, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और कुछ लोग थे कि ठाकुर देव देवताओं से बात करते हैं, हमें भी मिल जाएगा, हम भी ऐसा करने लगेंगे। सूक्ष्म अनुभव थे उनके, निर्विकल्प समाधि मिल जाएगी, इसको भी उन्होंने हाइएस्ट सेल्फिशनेस बोला है। बोले हम लोग इसके लिए नहीं गए, स्वामी एकांत प्रमुख हम लोग इसके लिए नहीं गए। उसका वर्णन थोड़ा सा सुन लो। कोई कोई यह भी कहते हैं क्यों उन्हें मानता हूं, वह नहीं जानता, परंतु उनमें ज्ञान और प्रेम का एक ऐसा अपूर्व और साथ ही सर्वांग पूर्ण आदर्श मैंने देखा है, वैसा किसी जीवित या परिचित मनुष्य की तो बात ही क्या। वेद पुराण आदि में वर्णित जगत पूज्य आदर्श महापुरुषों में भी नहीं पाया जाता। ये महापुरुष भी मेरी आंखों में उनकी अपेक्षा हीन प्रभ हो जाते हैं। वह मेरे मन की भ्रांति है अथवा अन्य कुछ ये कह नहीं सकता, किंतु मेरी आंखें उसी उज्जवल प्रभा में चकाचौन हो गई है तथा मन उनके प्रेम में सदा के लिए मग्न हो चुका है। अब उसको वहां से लौटाने का प्रयत्न करने पर भी वह लौटता नहीं है, समझाने पर भी वह समझना नहीं चाहता। ज्ञान युक्ति तर्क पता नहीं किधर बह गए हैं। बस केवल इतना ही मैं कह सकता हूं, समझ के गान में से दिया, दास हूं तुम्हारा, जन्म जन्म का मैं गति में तुम्हारी नहीं जानता, अपनी गति वह भी नहीं, कौन चाहता भी है जानने को। भक्ति मुक्ति भक्ति आदि जितने हैं जप तप साधन भजन सब आज्ञा से तुम्हारे दूर मैंने कर दिए, एकमात्र आशा पहचान की है लगी हुई, इससे भी करो पार। आता यह स्पष्ट है, ठीक है, कि बाकी लोग स्वार्थपरायण है। इसका वर्णन करते हुए वो चल रहे हैं। अब इसको कह रहे हैं वो कि उन भावों की उपलब्धि, थोड़े में हमने देखा ज्ञान प्रेम भक्ति इसका सर्वोत्तम सामंजस्य जो आज तक कभी देखने में नहीं आया। स्वामी कंजी ने कहा है कि हमने अपनी जवानी में मन में कुछ आदर्श संजो करके रखे थे कि आदमी का त्याग ऐसा होना चाहिए, वैराग्य ऐसा होना चाहिए,
प्यार उसका विश्वजनीन सबके प्रति होना चाहिए। तो हमने इसके एक कंप्लीट आदर्श जिसे कहेंगे 100% इसकी कल्पना करके रखी थी। और ठाकुर के पास गए तो हमारी कल्पना ही नीचे रह गई, अगर वो 100% है ये तो 200-250% ऐसा हो गया। इसलिए हम उनके चरणों में बिकते। अब इनकी चर्चा यहां पर करेंगे लीला प्रसंग में। बताए ना ठाकुर को व्यक्ति रूप में हमारे सामने रख रहे हो, ये व्यक्ति देख लो, इसलिए गुरु आशुर बात। ठीक है, ओम सर्वधर्म स्थापकस्त्वं सर्वधर्म स्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। श्रीरामकृष्ण मङ्गलकारी श्रीरामकृष्ण मङ्गलकारी नमो नारायण भवधुकहारी।